हेलो गाइज, वेलकम टू केसीसी कोरुंगा केमिस्ट्री क्लासेज। तो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 ट्वेल्थ बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 की। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। इसमें फर्स्ट चैप्टर है बच्चों सॉल्यूशन, और इसमें से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हैं उनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म्स है बच्चों। इसमें मोलेरिटी, नॉर्मेलिटी, मोलेलिटी या मोल फ्रैक्शन पूछा जा सकता है, और इनकी डेफिनेशंस और इनसे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। फिर है हेनरी लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। राउल्ट लॉ, या तो हेनरी लॉ पूछा जाएगा या फिर राउल्ट लॉ आ सकता है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अगला है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं और एक दो कंडीशन और होते हैं उनको आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, और बाकी सारे सॉल्यूशन नॉन आइडियल होते हैं। आइडियल सॉल्यूशन बहुत कम होते हैं, इसको अच्छे से विद एग्जांपल इसको याद रखना है, क्योंकि एक मार्क्स में जो आपका पहले के 20 क्वेश्चन है उनमें से यहाँ से आ सकता है। इसके एग्जाम्पल अच्छे से याद रख लें। एजोट्रॉपिक मिक्सचर है बच्चों, एजोट्रॉपिक मिक्सचर को भी अच्छे से याद रखें, इसके एग्जाम्पल एक दो याद रखें। मिनिमम एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होते हैं, उनके एग्जाम्पल याद रखें, नेम उसका अच्छे से, वो आपका एक मार्क्स में भी आ सकता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक वंस अगेन। यहाँ से चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से हमने सीखना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसी से न्यूमेरिकल भी बन सकता है, ये पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इस बार ये जो चैप्टर है बच्चों 6 या 7 मार्क्स का आ सकता है, और वन है फैक्टर को डिफाइन करना, एक मार्क्स में इसको भी पूछा जा सकता है, और इससे रिलेटेड 2-3 फार्मूले को हमने याद करना है। तो सबसे जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक थे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक थे सॉल्यूशन चैप्टर के, जो क्लास जो आप एग्ज़ाम होगा इस बार 2020 में, 7 मार्च को एग्ज़ाम है उसके लिए, CBSE बोर्ड के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने यहाँ पर बता दिए हैं आपको, और इनसे ही क्वेश्चन आएंगे, और अच्छे से इनको प्रिपेयर करना है। बाकी कुछ हमने इस चैप्टर से बाकी अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं को अच्छे से करना है उन स्टूडेंट ने जो थोड़ा वीक भी हैं, और जो इंटेलिजेंट है पहले से पढ़ते हैं उनके लिए तो खैर सब चीज़ें इक्वल हैं, उनको तो सब करना ही करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर दिस चैप्टर सॉल्यूशन, और मैं ऐसे ही सारे अगले चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट नोट्स आपको बताते रहूँगा। ठीक है, तो आप इनको तैयार करिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, अच्छे से मेहनत करिए, खूब टाइम दीजिए पढ़ाई को, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।